हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि आप अगर न्यूजीलैंड आते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर शादी कराकर, तो आपको कितने टाइम में पीआर मिलेगी। तो परमानेंट रेसिडेंसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि कितना टाइम लगता है अगर कोई एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आता है उसको रेजिडेंट होने में न्यूजीलैंड में। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा। और जो भी हम कवर कर रहे हैं, मैं पहले आपको एक बात ये बता दूं कि जो भी हम आपको इसमें पॉइंट्स बताएंगे या टाइम बताएंगे, ये कोई भी हम इमिग्रेशन एडवाइस नहीं दे रहे, ठीक है, और ना ही हम कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, और ना ही ये टाइम फ्रेम कुछ भी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे फ्रेंड्स या और भी दोस्त वगैरह की रेजिडेंसी हुई है या जिनकी शादी करवा के रेजिडेंसी हुई है, वट एवर, हम उनके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बता रहे हैं, ये टाइम फ्रेम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइस और वी आर नॉट एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, अगर आप अकेले एज अ स्टूडेंट आते हैं या आप अपनी फैमिली के साथ अगर यहाँ पर आते हैं एज अ स्टूडेंट, तब आपको कितना टाइम लगेगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे, अगर आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी यहाँ पे पीआर है और आप शादी करवा के आते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे रेसिडेंसी के लिए। तो चलिए शुरू करें। यस, ओके। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो एवरेज जो टाइम फ्रेम है वो है 5 to 6 years, ठीक है। अगर आपको कोई एजेंट ऐसे बोल रहा है कि तेरी जाते ही 2 साल में पीआर हो जाएगी, देन इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरेज आपको 5 से 6 साल लगेंगे ही लगेंगे, ये आप मान के चलो। बट यस, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स, व्हाट कोर्स यू आर कमिंग इन, है कि नहीं। तो जो कोर्सेज हैं जिनमें आपके जल्दी पीआर होने की चांसेस हैं, वो स्किल्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गया, अर्ली चाइल्ड केयर हो गया टीचिंग का, और प्लम्बिंग वगैरह का हो गया। तो इनमें जो है, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसमें आपके पीआर होने के चांसेस जल्दी, हो सकता है आपकी 4 या 5 साल से पहले ही पीआर हो जाए, क्योंकि वो हाई डिमांड कोर्सेज हैं, तो उनमें थोड़ी जल्दी भी पीआर हो जाती है। क्योंकि मेरे पहचान में भी कुछ हैं जिनकी थोड़ी जल्दी पीआर हुई है उस बेस पे। तो अगर आप इन शॉर्ट स्किल कोर्सेज में आते हैं तो आपके पीआर के चांसेस जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी पीआर जल्दी हो सकती है। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप बिजनेस के कोर्स में आते हो या फिर आप एक आईटी के कोर्स में आते हो, ठीक है, तो आपकी पीआर होने के लिए 5 से 6 साल एवरेज है, और इसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, समटाइम्स 6, 7, 8 साल भी लग सकते हैं पीआर होने के लिए। सो डोंट गेट डिसहार्टन बाय लिसनिंग दिस, क्योंकि हम आपको फैक्ट बता रहे हैं जो हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है हमारे साथ वालों ने। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जल्दी हो गई, एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही हो गई, और कई लोगों की बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 10-10 साल भी लग गए हैं। तो हम वो आपको बता रहे हैं, हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर रहें, है ना, आप मिसगाइड ना हो, आप प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। हाँ जी। और हाँ, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप स्किल्ड कोर्स आप जानना चाहते हैं कि यहाँ न्यूजीलैंड में कौन कौन से स्किल्ड कोर्स हैं जिनमें आपकी पीआर जल्दी होगी, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है उसने कैटेगराइज किया है स्किल्ड कोर्सेज को, तो हम उस पर भी हम बनाने वाले हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कोर्स चूज़ करने के लिए, है ना। यस। तो यस, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, स्किल्ड कोर्सेज के बारे में, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट से शादी करते हैं, चाहे आपका पार्टनर यहाँ का लड़की है या लड़का है, तो अगर आपकी पीआर है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपका एवरेज टाइम है 1.5 year to 2 years, ठीक है। उसके लिए आपके पार्टनर को आपको आपके पार्टनर से पीआर लेने के लिए 1.5 से 2 साल लगेंगे। पहले क्या होता था, पहले विद इन 3 months पीआर आ जाती थी, लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, डे बाय डे चेंज होते भी जा रहे हैं। तो अगर आपका पार्टनर आता है, जैसे ये आई थी, तो 3 months
थ्री मंथ्स पहले आपको एज अ विजिटर वीज़े पे रहना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको वर्क वीज़ा मिलेगा एक साल का, और उस एक साल के वर्क वीज़े में आपने 8-9 months, 10 months का शायद अपना रिलेशनशिप शो करना है। एक्चुअली 3 से 6 महीने का जो हमसे पूछा था, जो मेरे केस में था, तो हमसे इमिग्रेशन ने बोला था कि 3 से 6 महीने के बीच का आपका रिलेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ जो हैं, वो हमें चाहिए, और उस बेस पे हमने पीआर डाली थी, तो इसलिए मुझे टाइम लगा। और साथ में ये भी हुआ कि जब मैं आई थी उसी टाइम रूल भी चेंज हुए थे, उससे पहले तक जल्दी एक महीने में पीआर आ रही थी, एक महीने में पीआर, बट मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। हाँ, तो इनकी पीआर आने को लगा लाइक अप्रॉक्सीमेट टू ईयर्स लग गए, अप्रॉक्सीमेट टू ईयर्स, ठीक है। वो टू ईयर्स आई थिंक इसलिए भी है क्योंकि अब जो है यहाँ पे आपका जब आप पीआर डालते हो तो 9th से 11th month का आपको टाइम मिलता है। जैसे कि मैंने जब पीआर डाली थी तो जो मुझे इमिग्रेशन की ईमेल आई थी उन्होंने कहा था आपको 9 से 11 महीने तक आपको आपकी पीआर होगी, टाइम लिमिट इतना, पीआर नहीं आई मीन डिसीजन आपका जो भी डिसीजन है, जो प्रोसेस है उसमें इतना टाइम लगेगा। और उसके बाद मुझे आई थिंक मेरा जो वीज़ा ऑफिसर है वो कितने टाइम बाद असाइन हुआ था, 8 months बाद मुझे फिर ईमेल आई कि अब आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो असाइन हो चुका है, आपकी फाइल प्रोसेस में जा रही है। फिर ऐसा सब कुछ मिला के 9 to 11 months लगे थे। तो इसलिए अगर आप आपके पार्टनर के थ्रू आपकी पीआर हो रही है तो आपको 1.5 to 2 years लगेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, एक रफ एस्टिमेशन है पीआर के लिए, ठीक है। तो आपका जो केस है, आपकी जो स्टडी है, उस पर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये एकदम एग्जैक्ट लेके मत चलिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, तो हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ईयर से एक और बहुत ही बड़ा रूल चेंज होने लगा है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर मे बी हम लाइक कपल ऑफ वीक्स या 3 weeks में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी हम ये चाह रहे हैं कि आप कोई भी आपको गलत या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना दें। पहले हम अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं इकट्ठी कर लें, फिर आपको दें कि वो एग्जैक्ट वो रूल क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम वो भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो मे बी आपको 2 वीडियो और आने वाली है इससे रिलेटेड, एक पहली स्किल्ड कोर्स वाली और जो दूसरी है क्या रूल चेंज हुआ है, नया रूल जो आया है स्टूडेंट्स के लिए पीआर के लिए, राइट? यस। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। यस, और ऐसे ही आपको इन्फोटेनमेंट्स वीडियो मिलती रहेंगी, जिसमें कुछ वीडियोस होंगी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और कुछ होंगी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। यस, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।